अस्सलाम वालेकुम। एक होता है आला जर्फ और एक होता है कम जर्फ। मैंने 40 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में अपने केसेस का सामना किया और साकिब निसार साहब ने 40 दिन के बाद मेरी माफी को कबूल किया और मुझे बाइज्जत बरी किया। अब मैं देख रहा हूं कि साकिब साहब की हर जगह पे ऑडियो आ रही। इसको कहते कम जर्फी। हम तो बरी होने के बावजूद आज भी उनकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो एक बेहतरीन जज हैं, लेकिन ये है कमजर्फ जो सड़ी हुई बिरयानी की तरह बू छोड़े। इसी तरह जनाब अफसार आलम साहब, जब कोर्ट में केस चल रहा है तो काहे को जरूरत है आपसे सिफारिश करने की? आप कौन हैं? किस चिड़िया का नाम है अफसार आलम? और जनरल फेयर्स के पास इतना काम है कि वो आपसे सिफारिश करें? मैं उनको सिर्फ इतना जानता हूँ कि उनके बहनोई की अफाद पर दुआ के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, इसके अलावा मैं उनको नहीं जानता। जब आपको यही नहीं पता किसका नाम कहाँ लेना है तो नवाज शरीफ साहब से पूछ लेते। खैर, उनसे आप क्या पूछेंगे, वो तो पहली मर्तबा नाहल हो या दूसरी मर्तबा, नजरसानी में नाहल हो या बानी अपील में नाहल हो, बुनियादी शख्स तौर पर वो शख्स है ही नाहल। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अदालत से बचने के लिए ये इल्ज़ाम वापस ले लें जनाब अफसार आलम साहब, वरना मैं अदालत तो जा रहा हूँ ये पूछने के लिए कि आपने मुझे बरी किया या जनरल फैज के कहने पर जनाब अफसार आलम साहब मौजूद जज ने मुझको बरी किया। आपकी दरख्वास्त तो निमटा दी थी, मुझ पर तो तौहीन अदालत केस था जो कि जंग और जियो ग्रुप में था और मैंने माफ़ी मांगी जनाब मीर शकील रहमान साहब से और जनाब मीर इब्राहिम से। तो ये केस तो वो था। आप कौन हैं, कहाँ से आए, किसने भेजा है?